जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका मैट्रिक पास प्रोत्साहन योजना 2020 के लिए आवेदन कैसे करें इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, आपको यह लिंक कहाँ से मिलेगा और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आप पूरी आसानी से समझ सके और आप किसी भी स्टूडेंट्स का या आप स्वयं स्टूडेंट्स हैं तो आप आवेदन कर सके। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको ई कल्याण बिहार के वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास्ट प्रोत्साहन योजना, और मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास्ट प्रोत्साहन योजना 2020 के लिए आवेदन करें। और यहाँ पर तीन लिंक दिया गया है क्योंकि काफ़ी दिनों से ऑनलाइन आवेदन का लिंक दिया गया है लेकिन सर्वर प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर आवेदन नहीं हो पा रहा था। आप देख सकते हैं लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3 दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पर आने के बाद इन तीनों लिंक में से किसी एक को ओपन करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तीन लिंक यहाँ पर दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, और पहले जो यहाँ पर एक ही लिंक दिया गया था। तो फ्रेंड्स आप इस तीनों में से किसी एक पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आइए हम किसी एक पर क्लिक करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका है और मैट्रिक 2020 के लिए प्रोत्साहन राशि का योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर पेज ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ समय वेट लग रहा है, आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स न्यू इंटरफेस ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैट्रिक 2020 के लिए यहाँ पर जो नया डैशबोर्ड ओपन हो चुका है प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका जो है बैंक अकाउंट शुड बी नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड IFSC कोड ऑफ बैंक ब्रांच का होना चाहिए, बैंक अकाउंट और स्टूडेंट्स के नाम से होना चाहिए और IFSC कोड होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर आधार नंबर होना चाहिए, आप देख सकते हैं, और तीसरा है मोबाइल नंबर फॉर कॉन्टेक्ट के लिए, और चौथा जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बिलो 1.5 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और बैंक अकाउंट विल बी एक्सपेक्ट ओनली फॉर बिहार, मतलब बैंक अकाउंट जो होना चाहिए यहाँ पर ओनली बिहार का अकाउंट एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है और किस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और यदि कोई टेक्निकल इशू हो तो इसके लिए भी यहाँ पर एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे किस प्रकार से आवेदन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है इंपॉर्टेंट लिंक में, तो आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और या जितना मार्क प्राप्त हुआ है और क्या बचा कोड भर के यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करना होगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद या तो आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप करें या तो आप जो ऑब्टेंट मार्क है, प्राप्तांक है, उसको यहाँ पर फिलअप करें और देन क्या बचा कोड पर फिलअप करके यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम पूरी जानकारी को फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वेलकम और रजिस्ट्रेशन नंबर करके आ चुका है और यहाँ पर जो है आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद देन यहाँ पर जेनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेता हूँ और देन यहाँ पर जेनरेट OTP पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद जेनरेट OTP पर हम क्लिक करते हैं और जैसे हम जेनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ चुका है OTP हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और देन यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया है उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है। देन यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है, आप देख सकते हैं वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपने OTP को फिलअप करते हैं, देन यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें OTP प्राप्त हो चुका है, देन यहाँ पर हमको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और जैसे हमें वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है और यहाँ पर अब तीन चीज़ें आ गई है,
अपडेट बैंक डिटेल्स और इसके बाद अपलोड इनकम सर्टिफिकेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले अपडेट बैंक डिटेल्स को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल्स पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बैंक डिटेल्स के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो चुका है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम और फादर्स नेम ऑटोमेटिकली आ चुका है। बस यहाँ पर चुनने का जो ऑप्शन है, यहाँ पर दो तीन ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि नेम एज पर आधार, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार जो आधार पर है, IFSC कोड, नेम एज पर बैंक अकाउंट और जो भी है यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप करके यहाँ पर देन यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आइए यहाँ पर हम पूरी जानकारी को तुरंत फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी जानकारी को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आधार वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आधार वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आधार वेरीफाई को क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ग्रीन कलर में जो है यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आ चुका है। अब यहाँ पर नेम एज पर बैंक अकाउंट, IFSC कोड और बैंक अकाउंट को फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया है, देन यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है और जैसे आप सेव पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ देरों के बाद यहाँ पर आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारी जानकारी को फिलअप कर दिया और यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट्स डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। सेव करने के बाद यहाँ पर गो टू होम का ऑप्शन है, तो आप गो टू होम पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे आप गो टू होम पर क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अपलोड इनकम सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप अपलोड इनकम सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का जो है सिस्टम ओपन हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अपलोड योर डॉक्यूमेंट व्हिच एवर पर एप्लीकेशन फॉर्म, फाइल साइज ऑफ इस डॉक्यूमेंट मस्ट बी लेस 400 KB का होना चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। यहाँ पर PDF फाइल में आप इनकम सर्टिफिकेट को ओनली डाउनलोड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम जो इनकम सर्टिफिकेट है इसको यहाँ पर जो है अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चूज फाइल पर और यहाँ पर देन आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड जैसे आप यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट को चुनेंगे और सेव करेंगे तो आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं सम एरर एक्यूरेट प्लीज ट्राई अगेन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहां पर जो वेबसाइट बनाया गया है, जो लिंक दिया गया है, काफ़ी सारे सर्वर प्रॉब्लम्स के कारण यह सब समस्या आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू टू लोड ऑन सर्वर, इसके कारण एक्सेस लोड ऑन सर्वर के कारण ऐसा हो रहा है, तो आप इसे बाद में भी यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। देन यहां पर सेव करेंगे तो आपके सामने सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब आइए आपको नेक्स्ट जानकारी देता हूं कि आपको क्या करना है, सेव करने के बाद आपका अगला प्रोसीजर क्या है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली क्लोज पर क्लिक करना है, देन यहां पर आपके सामने ओके को क्लिक कर देना है। ओके को क्लिक करने के बाद आप होम पेज पर आ जाइएगा और यहां पर आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन दिया था, अब नेक्स्ट बचा है फाइनलाइज एप्लीकेशन। दोस्तों यहां पर आपको अपलोड इनकम सर्टिफिकेट को पूरा कर लेना है, उसके बाद ही एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि फाइनलाइज एप्लीकेशन किस प्रकार से करना है। तो जैसे हम फाइनलाइज एप्लीकेशन पर क्लिक किए तो हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो चुका है कुछ इस प्रकार से, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म्स का डैशबोर्ड जो है ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको डिक्लेयर कर लेना है और डिक्लेयर करने के बाद नीचे में फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप फाइनल सबमिट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहां पर क्लिक हेयर टू प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू प्रीव्यू, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप क्लिक हेयर टू प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जहां पर आपकी सारी जानकारी दी गई होगी। तो फ्रेंड जैसे आप क्लिक हेयर टू प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर एप्लीकेशन रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट इत्यादि की जानकारी, सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से आप कन्फर्म हो ले कि आपका सारी जानकारी यहाँ से फिलअप सही सही जानकारी आपने फिलअप किया है या नहीं। इसके बाद दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन बचता है फाइनल सबमिट का, तो आप जब डॉक्यूमेंट को
अपलोड कर ले, उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर आप फाइनल सबमिट करें। तो दोस्तों आप जब फाइनल सबमिट कर लेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और फ्रेंड्स आशा करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप हमें सपोर्ट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अंत में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।